नमस्ते, कैसे आप सब लोग। ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। मैं फोन यहाँ रख देती हूँ ना, वो सब पता नहीं कैसे मेरा ही हाथ लग जाता है लगता है। हाँ, ये है होपोनोपोनो प्रेयर और लव वाइब्रेशन की सक्सेस स्टोरी। इसके अंदर इनका एक एग्जाम है, वो भी क्लियर हुआ है सेल्फ हीलिंग की वजह से। मतलब सेल्फ हीलिंग की वजह से ऑब्वियसली ये अपने पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा फोकस कर पाए और पढ़ पाए, पूरा टाइम वहाँ पर दे पाए। तो एक तो वो चीज़ क्लियर हुई है, कंग्रेचुलेशंस। मैं पहली सारी सक्सेस स्टोरी ऐसी बता रही हूँ। एक्चुअली सक्सेस स्टोरी काफ़ी छोटे में लिखी है इन्होंने, तो मुझे थोड़ा अच्छे से आप लोगों को क्लियर करना पड़ेगा। और इनका ना रिलेशनशिप मैनिफेस्टेशन भी है। स्टोरी मैं पहले पढ़ चुकी हूँ, चलिए अब आपको पहले मैं पढ़ के सुना देती हूँ, उसके बाद में इसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ठीक है। हेलो शांभवी मैम, मेरा नाम शेयर नहीं करना चाहती, लेकिन आपके साथ अपनी सक्सेस स्टोरी बताने का मजा ही कुछ और है। और अगर आप चाहो तो आप मेरी सक्सेस स्टोरी अपने चैनल पर सब लोगों के साथ में शेयर कर सकते हो, मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन मेरा नाम आप शेयर नहीं करना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपकी वजह से मेरी दो जगह की लाइफ पूरी तरह से चेंज हो चुकी है, और ये दो ही जगह थी जो चीज़ों को मैं चेंज करना चाहती थी। एक मेरा रिलेशनशिप जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था, 7 ईयर से मेरे पार्टनर का मेरा रिलेशनशिप था, लेकिन रिलेशनशिप अब टूट चुका था, और टूट करके भी 1.5 साल हो गया था। उसके बाद ही आपके वीडियोस मेरे सामने आए थे, और मैं लगातार एग्ज़ाम्स दे रही थी लेकिन मैं फ़ेल हो रही थी। PCS का एग्ज़ाम था और मैं फ़ेल हो चुकी थी। अब मेरे अंदर एक डर, डिप्रेशन, नेगेटिविटी और अपने आप को हील करने जैसी एक फीलिंग आने लगी कि मैं इतना डिप्रेशन में रहते हुए, क्योंकि रिश्ता भी टूट चुका है, एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं हुआ है, लाइफ को नहीं जीना चाहती। और मैंने यहाँ से अपने आप को हील करने के लिए होपोनोपोनो प्रेयर करना शुरू किया। 7 मंथ तक लगातार मैंने होपोनोपोनो प्रेयर की। उसके बाद मैंने 21 डेज तक सिर्फ अपने पार्टनर को लव वाइब्रेशन भेजी, और होपोनोपोनो प्रेयर करने के बाद मैंने फिर से अटेम्प्ट किया। और इस बार की मेरी स्टडीज़ शायद मैं इतना अच्छे से कभी भी नहीं पढ़ी होंगी जितना इस बार मैं अच्छे से पढ़ी। और अंदर से ही ये फील आ रहा था कि इस बार एनी हाउ मेरा हो ही जाएगा क्लियर, और सच में वही हुआ। मेरा रिजल्ट आ चुका है, मैंने क्लियर कर लिया है। आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया है। अब इसके बाद बात आती है मेरे रिलेशनशिप की। जब मेरा एग्ज़ाम क्लियर भी नहीं हुआ था, मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, इसी बीच मेरे पार्टनर के कॉल और मैसेजेस आने स्टार्ट हो चुके थे, लेकिन मैं उनको इस वजह से मना कर चुकी थी बात करने के लिए कि मैं अभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, इस वक्त मैं किसी भी तरीके का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहती हूँ। और मैंने अपने पार्टनर को कह दिया था कि कोई भी बात होगी मैं एग्ज़ाम के बाद ही करूँगी। एग्ज़ाम के तुरंत बाद मेरे पार्टनर का खुद सामने से कॉल आया, और उन्होंने बहुत ही प्यार से मुझसे बात की, और उन्होंने कहा मेरा दिल बोल रहा है इस बार तुम पास हो जाओगी, हमारा अलग होना कोई सल्यूशन नहीं है, हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते, ये तुम भी जानती हो, ये मैं भी जानता हूँ। मैंने उनको बोला मैं आपके बिना जी सकती हूँ, आपने मुझे अपने बिना रहना सिखा दिया है। इस बात से मैं तो इतनी स्ट्रांग हो गई, लेकिन मेरे पार्टनर का मुझे लेकर के प्यार और बिहेवियर पूरी तरह से चेंज हो गया। ही लव्स मी सो मच। अब तो शादी का रिश्ता वो मुझ तक भेज चुके हैं, यहाँ पर मेरे एग्ज़ाम क्लियर होने की न्यूज़ भी आ चुकी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू होपोनोपोनो प्रेयर और लव वाइब्रेशन ने मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल दी। ये दो एरिया ख़राब थे और ये दोनों ही एरिया ठीक हो गए। थैंक यू, थैंक यू। मैंने कहा था ना आपको कि ये सक्सेस स्टोरी सेल्फ हीलिंग और उसके बाद में अच्छे से पढ़ाई की सक्सेस स्टोरी है। यानी कि ये जब पढ़ रहे थे ना, उसी बीच में इनके पार्टनर का मैनिफेस्टेशन हो गया था। ये काफ़ी पुरानी सक्सेस स्टोरी इन द सेंस कि इन्होंने फॉलो काफ़ी पुराना करना स्टार्ट किया था। 7 मंथ तक लगातार होपोनोपोनो प्रेयर, तो आप समझ ही सकते हो कि आप स्टोरी आकर के 4 महीने हुए, 4 महीने के पहले के भी 7 मंथ्स, और उस बीच में एग्जाम्स वगैरह, मतलब मैं अपने हिसाब से टाइम बोल रही हूँ, मुझे एग्जैक्टली इन्होंने क्योंकि टाइम वगैरह नहीं यहाँ पर दिया हुआ है तो मैं बता रही हूँ, हो सकता है उसके भी पहले हो, ये भी हो सकता है कि उसके भी बहुत पहले हो, फिर उसके बाद मुझे ये सक्सेस स्टोरी काफ़ी टाइम के बाद में भेजी गई हो इनको सफलता मिलने के बाद में। पर
इस चीज के अंदर आप देखेंगे कि सेल्फ हीलिंग बहुत अच्छे तरीके से जुड़ी हुई है, जहां पर ये वाली जो लाइन होती है ना, मैं बोलती हूँ हमेशा कि मैं जी नहीं सकती उसके बिना, मैं जी नहीं सकता उसके बिना, ये बहुत फिल्मी और बहुत वाहियात लाइन है। ये लाइन हमें किसी के लिए भी कभी भी नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि जीना तो एक बार हमें उनके बिना भी पड़ जाता है जिनके बिना शायद हम इस दुनिया में सांस भी नहीं ले सकते थे, इस दुनिया में हमारा अस्तित्व ही नहीं होता, और वो होता है हमारे माँ बाप। तो उनके बिना भी जीना पड़ता है, एक टाइम के बाद समय आता है। तो इसलिए किसी भी लड़के या लड़की के लिए ये बात बोलना मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है इसकी जगह इस लाइन को रिप्लेस कर दो ना यार, ये बोलो कि हम तुम्हारे साथ जीना चाहते हैं, हम एक दूसरे के साथ जिएंगे। मैं जी नहीं सकता, जी नहीं सकती, मुझे भी ये पर्सनली लाइन पसंद नहीं आती। खैर एनीवे, इस लाइन को अगर हम साइड छोड़ दें तो इनकी लाइन बहुत प्यारी थी, इन्होंने समझा और अपने आप के लिए एक स्ट्रांग कदम उठाया। इस बीच में ये पार्टनर से बातचीत में नहीं जुड़े, जो कि ज्यादातर लोग गलती करते हैं। पार्टनर का कॉल आ गया, पार्टनर का मैनिफेस्टेशन हो गया, तो चलो भैया एग्जाम की तैयारी और प्रिपरेशन गई साइड, अब लगेंगे हम इस पे। फिर वही लड़ाई झगड़े कुछ इधर उधर हुआ, लेकिन इनके पार्टनर को पूरा पूरा सोचने का, समझने का, इनको मिस करने का टाइम मिला। और उसी बीच वो ट्राई भी कर रहे थे, पर इन्होंने अपने एग्जाम को ही पूरा मेन महत्व दे दिया, अपने आप को मेन महत्व दे दिया। तो पार्टनर की तरफ से शादी का भी आ गया न्योता और रिजल्ट में भी ये पास हो गए। तो यानी कि विन विन सिचुएशन भैया, हर तरह से इनको सफलता ही सफलता मिली है, उस तरफ से भी, और एग्जाम भी क्लियर हो गया वो भी, शादी के लिए भी, पार्टनर की तरफ से भी रिलेशनशिप अच्छा हो गया, इनकी भी अंदर से जो क्लीनिंग थी, हीलिंग थी, वो सारी चीज़ें हो गई। आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू, सीरियसली आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आपने बहुत स्ट्रांग होकर के कदम उठाए हैं और अपने ऊपर लगातार काम किया है। आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू, सो कॉन्ग्रेचुलेशन। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।